को आप सुबह को भगा रहा है, यही हाल हुआ उनका। अब पिछवाड़ा कैसे फटेगा वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारा दिमाग बहुत खराब हो गया। हेलो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी के महादेव कब आए घर और वहाँ पे क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं। आपको मेरे चैनल पर आकर कैसा लग रहा है? हम तो सबके चैनल पे बात आजकल तो जीने दिन हुआ था जिया होता है। आपके चैनल पे आकर उनको बहुत खुशी मिल रहा है, यही बात ये सब उठा डाल रहे हैं। तो जो बाबू पूछना है उन्हीं से पूछिए, गलती भी मत करिए, गोरखपुरिया भौजी से कुछ पूछिएगा भाई। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं भाभी अभी बहुत गुस्से में हैं। और भैया आप क्यों भागे थे? चाय अच्छा नहीं मिल रहा था, इसीलिए चाय यहाँ पर अच्छा नहीं मिल रहा था। देखिए मजाक में छोड़िए महाराज, चाय देखिए भाभी बहुत गुस्सा है, भाई भैया भागे थे तो भाभी क्यों गुस्सा है? और भी कुछ बताइए, कुछ कारण क्या भागे थे? मान लीजिए चाय तो अच्छा मिल जाता, फिर क्यों इससे पहले भी अच्छा दिखेंगे नहीं, ऐसा मत बोलिए भाभी, नहीं ऐसा मत तकलीफ हो सकता है। आप लोग सोचिए किसी के परिवार में कि एक औरत को ऊपर क्या कोई नहीं है ना, हमारा मां है ना, हमारा बाप है ना, भैया लोग ये चैनल को सपोर्ट करिए और सब प्यार दुलार बनाए रखिए। भैया बहुत मेहनत करते हैं, आइए भाई भाई है, अभी हम चल रहे चाय पियेंगे। भैया अभी परेशान है, अभी जस्ट देख लीजिए, मतलब रात में भी आए है ना? हाँ रात के आए हैं भैया, सो के जैसे उठे तैसे भैया आ गए हैं। तो आप लोग देखिए इनके चैनल को सपोर्ट बहुत बनाए रखिएगा भैया लोग। बाकी भैया और कुछ नहीं बताइए क्या? और कुछ चाय नहीं मिल रहा था, मैं कुछ ये पूछना है तो पूछ सकते, मतलब वहाँ पर कैसे चले गए? मान लीजिए कि नेपाल में तो कर्फ्यू लगा था, तो फिर भाभी वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत कोई एक्सपोज कर रहा था कि नेपाल में कर्फ्यू लगा था, फिर कैसे चले जाएंगे नेपाल में? भैया कर्फ्यू 4 दिन पहले लगा था ना, 4 दिन हुआ, उसके पहले नहीं लगा था, आपको 8 दिन पहले निकले थे ना। बहुत कोई बोला कि भाभी सब लबराई के बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं कि भैया भागे हुए नहीं थे, इसी तरह नाटक कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहिएगा? अरे तो कहने के लिए तो सब कोई कहता है भाई, सबको कुछ सब कुछ सब कोई कहता है, कहने से क्या होता है, सभी लोग। अच्छा ये रियल बात था ना? अब रियल तो देखिए सभी लोग नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग सही कह रहे हैं ना, तो जो सही कह रहे हैं हमारे ऑडियंस है, जो ना गलत कर रहे हैं वो सब साले हमारे जलने वाले दुश्मन है, जिंदगी है और उनके खाए रात को आप सुबह को भगा रहा है, यही हाल हुआ उनका। अब पिछवाड़ा कैसे फटेगा वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारा दिमाग बहुत खराब हो गया, उससे भी कुछ बोल देंगे भैया। नहीं नहीं नहीं, लोग इनको चैनल बनाइए, अभी हम बहुत जान लीजिए बहुत गुस्से में, भैया माफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है भैया, आप जो बोल रहे हैं कि चाय को लेकर काम भागे थे तो उससे बोलिए, चाय के लेकर नहीं भाई, घर बवाल हुआ था थोड़ा, हम कई दिन से मैटर चल रहा था, थोड़ा हमको नहीं बुरा लगा, डिस्टर्ब हो गए, गुस्सा चढ़ा, इसलिए हमको सोचे कि ना हम रहे ना हम और रहेंगे तो झगड़ा होगा, चलिए एक आध दो दिन के लिए टूर कर लेते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से 4 दिन हो गया, कर्फ्यू बंद होने की वजह से 8 दिन हो गया, उसके बाद नहीं आ पा रहे थे, अब तक पता चला कि सही बोले भैया, मान लीजिए कि घर पे रहते तो और बवाल होता था, और इन्हीं कारण से भैया भागे थे कि घर पे कुछ विवाद के कारण, अगर रहते तो और ज्यादा विवाद बढ़ता, और उधर गए होंगे तो ये सब बता रहे हैं कि उधर कार्पू लगे थे और मियाज खराब हो गया था, इससे थोड़ा ज्यादा दिन लग गया इनको आने में, और घर का याद तो आपको आते ही होगा। आता था, बुखार भी था, लेकिन सोच रहे थे अब कल परसों में मैंने किसी से मोबाइल मांग के किसी नंबर से जाके दुकान से फोन करके, मोबाइल से नहीं दुकान पे जाके, तो मोबाइल भी लेकर के नहीं गए थे, तो किसी दुकान से जैसे नहीं होता है जाके फोन करेंगे, तो पीसीओ हर जगह नहीं रहता आजकल, आज कहीं आपको फोन करना है तो कैसे करेंगे? वो जाना पड़ेगा कहीं, अगर नहीं होगा आपके पास, मान लीजिए अभी अभी तत्काल में आपको फोन करना है तो कैसे करेंगे? अपने पास मोबाइल है तो करेंगे, मोबाइल है आपके पास तो क्या करेंगे, जाएंगे दूसरे जगह बोलेंगे, कहाँ जाएंगे बता लीजिए। यहाँ पर तो अपना इंडिया में तो किसी के फोन करेंगे भैया, थोड़ा कॉल करना है, किसी से मांगेंगे तभी ना करेंगे, आप नेपाल में थे तो वहाँ पर कैसे मांगेंगे, नेपाल वाला आपको चिन्ह रहा है फोन करने के लिए देगा, वो भी विदेश के लिए, ना विदेश के लिए आपको फोन करने के लिए देगा कोई? नहीं तो आप वहाँ आपसे कोई मोबाइल मांगेगा कहेगा हम विदेश फोन करेंगे तब दे देंगे मोबाइल? नहीं देंगे, तो नहीं देता है कोई,
यही बात तो इसी के कारण से थोड़ा लेट हो गया भैया को आने में, और भाभी भी काफी परेशान थी। तो अगर वो भी अगर कुछ आपको जानता है तभी कोई मोबाइल देगा, वो भी लोकल कॉल करने के लिए। हाँ ठीक है ना, फिर कैसे कैसे पता चल गया भैया।